नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जमी पर चल रहे सियासी मेले का आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है सियासत के इस मेले का, और आज शाम के 6 बजे तक ये जितने तंबू हैं मेले में लगे हुए सब उखड़ जाएंगे। 10 मार्च को इस पूरे मेले का क्या लबोलुआब निकला, क्या सॉल्यूशन निकला, क्या रिजल्ट आया, वो सब सामने होगा आपके 10 मार्च को। लेकिन क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है, क्या वो है जो धुंध है लेकिन दरअसल वो धुंध नहीं है, क्या कुछ साफ होता नजर आ रहा है या फिर सब कुछ अभी काला है, इस सब पर चर्चा है। और सब पर चर्चा खर्चा और उन पर है जिन्होंने दरअसल पर्चा भरा है। आज एक बार फिर हम आपके समक्ष पेश हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया सुबह से लगातार आपको पल पल की अपडेट, एक एक अपडेट आपको दे रहा है कि कहां पर किस तरीके से मतदान चल रहा है, किस तरीके से लोग अपने मतों का दान कर रहे हैं और लोग किस तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं। ये दरअसल भाव भंगिमा बहुत कुछ बता देती है। इस बार का चुनाव खास है, इसलिए खास है क्योंकि 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश के लोगों ने जितने भी चुनाव देखे हैं वो दरअसल अपने आप बड़े अलग थे, इंटरेस्टिंग थे, रोमांचित करने वाले थे। क्योंकि 2014 से पहले अगर आप किसी भी राजनीतिक पंडित की दुकान पर जाते तो वो आपको यही बताता कि ये सियासी समीकरण है, ये जातिगत समीकरण है और ये पूरा ऐतिहासिक जो पूरा का पूरा मामला है इसको दिखाकर ये आदमी फलाना फलाना आदमी जीत रहा है। लेकिन 2014, 2017 और 2019 ये ऐसे 3 बड़े चुनाव हुए जिसके बाद राजनीतिक पंडितों ने अपनी किताबें PhD करना छोड़ दिया है, अपनी किताबों को शेल्फ में बंद कर उसके बाहर ताला जड़ दिया है। और एक बार फिर आज 2022 का जब मतदान खत्म होने को आया है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसके बाद सीधे रिजल्ट वाले दिन हम मिलेंगे सुबह से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया 10 मार्च को। नतीजे, रुझान सब कुछ आपके सामने लेकर पेश हो जाएगा। सुबह से एक जो धुंध की चादर है वो धीरे धीरे हटती जाएगी और शाम तक खिलखिलाता हुआ वो चेहरा आपके सामने होगा जो उत्तर प्रदेश का मुखिया बनेगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। अब लड़ाई दरअसल ये है कि बुलडोजर जीतेगा या फिर दूसरी तरफ 2017 से सपना संजोए अखिलेश बाबू। अखिलेश बाबू की टीम में ज्यादा मेंबर हैं तो यहां पर बाबा की टीम में भी कई मेंबर हैं, लेकिन बाबा की टीम में दरअसल बाबा ही सबसे आगे नजर आते हैं। अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा ही। मसलन जब पश्चिमांचल से शुरुआत हुई थी तो पश्चिम में जो रथ था अखिलेश बाबू का उसकी छत पर नजर आते थे जयंत चौधरी साहब। अब जैसे जैसे यावद रीजन क्रॉस करता हुआ पूर्वांचल को आ गया है तो अब OP राजभर साहब भी उस छत की सवारी लेते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन आज हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि जहां जहां चुनाव है, मतलब 9 जिलों की 54 सीटों पर चुनाव है, सुबह से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार आपको बता रहा है 613 प्रत्याशी मैदान में है। 613 प्रत्याशी जो मैदान में है इनके लिए एक बड़ी अच्छी जानकारी देता हूं, दिलचस्प बात, कि समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही जो मुख्य रूप से निकलती हुई पार्टियां इस चुनाव में जो जिनके बीच बताया जा रहा है कि सीधे टक्कर है, दोनों का कहना है कि मेजॉरिटी दरअसल हमको मिल चुकी है। अब जो चुनाव आज का है ये दरअसल सिर्फ एड ऑन करने का चुनाव है। लेकिन राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले लोग बताते हैं कि अगर कांटे की टक्कर है तो चुनाव 7वें चरण तक जाएगा। ये इसलिए जाएगा क्योंकि 2007 में और 2012 में जब चुनाव खुले थे, जब मतदान खुले थे, तब पता लगा था कि चुनाव 7वें चरण तक गया। 2017 अलग था, वहां पर 5वें फेज तक ही क्लियर हो गया था कि जो पूरी मेजॉरिटी है वो किसकी तरफ जा रही है। लेकिन इस बार 2022 में एक बार फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर के बीच लोग ये भी कह रहे हैं कि हाथी शांत जरूर दिख रहा है लेकिन हाथी कभी भी खड़ा हो सकता है, दौड़ सकता है और मदमत हाथी को रोकना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में 9 जिलों की जो 54 सीटों पर मतदान है, 613 प्रत्याशी जो मैदान में हैं, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, वाराणसी, ये वो सभी सीटें हैं जिन पर आज मतदान होना है। जिले हैं दरअसल, इनके अंदर काफी विधानसभाएं हैं जहां जहां मतदान आज हो रहा है और आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो आखिरी चरण का मतदान है इसमें एक और चीज जो है वो काफी दिलचस्प है। वो दिलचस्प चीज ये है कि आखिरी जब फेज की वोटिंग होने वाली थी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो बनारस में देखने को मिला। और प्रधानमंत्री का मेगा शो जो बनारस में देखने को मिला वो दरअसल जो मौसम होता है, मौसम, उस मौसम को परिवर्तित करने की बहुत क्षमता रखता है। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा शो रहा तो क्या मेगा शो की वजह से एक मेगा पलटन देखने को मिलेगी, क्या मेगा पलट देखने को मिलेगी, क्या मेगा रूप से चुनाव पलटने जा रहा है, क्या 7वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जय दीक्षित और प्रदीप गुप्ता साहब जुड़ेंगे, इनकी ओर जाएंगे हम, इनसे बातचीत करेंगे।
तो हमारे साथ जय दीक्षित साहब हैं और साथ में हैं हमारे साथ प्रदीप गुप्ता साहब। तो सबसे पहले तो गुप्ता जी आप पर आएंगे, अभी क्या देख रहे हैं आप सुबह से? अभी धूप तो आई नहीं है, खिलखिलाती हुई, मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन ये बताइए कि क्या देख रहे हैं, गर्मी कितनी देख रहे हैं आज आप? देखिए मौसम में सुधार है, लेकिन असली बात क्या है, जो रूस और यूक्रेन के जो समीकरण चल रहा है इस समय लड़ाई के ना, उसका प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा पहले सारे चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा था, और ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। इस चरण के अंदर, सातवें चरण के अंदर जो मनोदशा लोगों की रही है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं, हालांकि सारा एरिया पूर्वांचल का, ब्राह्मणों का, यादवों का है, और थोड़ा सा जो भी ब्राह्मण जो अपने क्या कहते हैं छोटे वर्ग के लोग हैं, भूमिहार हैं, है, उनका बाहुल क्षेत्र रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है वो हावी रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये थोड़ा सा मुद्दा बन सकता है, कैसे? मतलब ये जो स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, इनको लेकर बीजेपी जो एक तरीके से नैरेटिव बना रही है कि हम वापस लेकर आ रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं, इसका भी प्रचार चल रहा है। दूसरी तरफ जो है विपक्षी पार्टियां ये दिखा रही हैं कि हमारे छात्र फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा, तो कौन सा आपको लग रहा है, कौन सा नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए जो मोदी जी ने करा है पूरा वर्ल्ड जानता है, आप पाकिस्तान के बच्चों की हालत देख रहे हो और मुल्कों का देख रहे हो। हमारे देश ने मेरे ख्याल से 70 साल के उसमें पहली बार हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जो सरकार का नेता रहा है, उससे हमारे बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप ही नहीं, पूरा वर्ग, पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को वांछित महसूस कर रहा है। तो ये मुद्दा भी हावी रहेगा, सरकार इसमें काफी सफल रही है अपनी बात को पहुंचाने के लिए। और जिस प्रकार से आज लोगों में परिवर्तन आ गया है, जात पात से, धर्म से, इससे दूर होते जा रहे हैं, एक राजनीति नई दिशा में जा रही है, आपने देखा होगा पहले भी हावी रहे हैं, और सरकार विकास के साथ साथ गरीबों का भी ध्यान रख रही है। लेकिन ये पिछली दफा जो सुभाषपा जो बीजेपी के साथ थी और इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है, ये आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान करने वाली है बीजेपी का? देखिए आपने देखा होगा पिछली बार अखिलेश जी के साथ कांग्रेस पार्टी थी, राहुल गांधी जी थे, अच्छा हर वर्ग को जोड़ के चले वो, लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये छोटे छोटे दल जो है लोग इनसे जो है कहीं ना कहीं विमुख होते जा रहे हैं। लोग जान चुके हैं आज कि जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं चलेगा, जाति धर्म पे इस देश नहीं चलेगा। आज पढ़ा लिखा समाज है, लोग पढ़ लिख करके अपने अपने आप को बढ़ के ऊपर लेकर जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान को लोग चाहते हैं कि बढ़ के अंदर नाम हो हिंदुस्तान का, उसके लिए एक मजबूत सरकार हो, एक मजबूत इच्छा शक्ति हो, एक मजबूत इरादा हो, जो कि आज की सरकार कहीं ना कहीं दिला रही है। देखिए पहले की सरकारों ने उन्हें सीखना पड़ेगा, उनको जो है जाति धर्म से निकल के विकास का, राष्ट्रवाद का, और देश के लोगों के लिए जो देश में चाहना है, केवल क्षेत्रीय दल को केवल क्षेत्रीय बातों से काम नहीं चलेगा। समस्या है देश में आज, मैं मानता हूँ महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, व्यापारी को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, सरकार ताकत से शासन कर रही है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उनके ऊपर भी ये चीजें ज्यादा हावी है। क्योंकि क्योंकि आंकड़ों और इस चीज़ों की बात जो है सुबह से हमारे सहयोगी भी आपके साथ कर रहे थे, अब जब मैं आके बैठा हूँ और हमारे साथ जय दीक्षित साहब भी हैं, तो हम लोग थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, हमेशा इधर उधर निकल जाते हैं। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था, करना चाह रहा था कि जैसे IPL होता है ना जय दीक्षित साहब, IPL होता है, IPL में मैं देख रहा था कि ऐसे ऐसे करके बोली लगती है इनकी इनकी फिर इनकी, तो ये छोटे छोटे जो दल है ना, छोटे छोटे जो दल हैं, और उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले एक दशक से देखा जा रहा है कि छोटे छोटे दल जो हैं और ये एक कास्ट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे उस कास्ट का एक भी व्यक्ति, गरीब की थाली में खाना नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि है हमारा आदमी, हमें ही वोट करता है भाई। तो ये कास्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं ये इतने ज़्यादा हो गए हैं, और ये मैं बात हमेशा कहता हूँ, जय दीक्षित साहब भी जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि सुभाषपा जब ओम प्रकाश राजभर साहब जब बीजेपी से सपा में आए
तो ये प्रेस बाइट के लिए सही लगता है, अच्छा लगता है, हमें भी पता है, उन्हें भी पता है, और ये बात हकीकत आपको भी पता है कि जो प्रेस बाइट में वो कहते हैं कि दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, बेरोजगार, इनका हित नहीं हो रहा था, इसलिए छोड़कर इधर आ गए। ऐसा नहीं हुआ होगा। जब अखिलेश यादव के साथ एक कमरे के अंदर बैठे होंगे, जब हल्का हल्का गुनगुना सा पानी पी रहे होंगे, तो अखिलेश यादव साहब ने यही बात कही होगी कि ये बताओ कितनी सीटें जिता कर दोगे, फालतू की बात ना करो इधर उधर की। तब उन्होंने कहा होगा, सर इतनी इतनी सीटें जिता कर हम देंगे। तब उन्होंने कहा होगा, ठीक है आ जाओ। उनसे कहा ठीक है आ जाओ। अब कुछ कुछ ऐसे हुए, उन्होंने कहा इतनी इतनी सीटें जिता कर देंगे, लेकिन इतनी इतनी सीटें ऊपर हमारे प्रत्याशी भी उतारने दो। तब अखिलेश भैया ने कहा ठीक है, वो रहा दरवाजा, और चुपचाप से चले जाइए। यही हकीकत है। हकीकत है कि नहीं है यही प्रदीप साहब? तो छोटे छोटे दल जो हैं वो दरअसल इधर उधर इधर उधर इधर उधर अपना भविष्य ज़्यादा बेहतर और तलाशने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इनकी तो एक समय पर ऐसा लगता है कि बोली ना लगने लग जाए आईपीएल की तर्ज पर। तो जय दीक्षित साहब, आपसे मैं ये बात कर रहा था कि जो छोटे छोटे दल जो हैं ये कितना प्रभाव डालेंगे। और एक और चीज़ कि जब ये चुनाव शुरू हुआ था, चुनाव इतनी पावर के साथ शुरू हुआ था, ऐसी हलचल के साथ शुरू हुआ था, और होगा भी क्यों नहीं, सूबे का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर चुनाव है, इसे मिनी लोकसभा कहा जाता है, और लोकसभा के बाद मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चुनाव जहां पर सबसे ज्यादा हरकत होती है वो यही है। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो ऐसे शुरू हुआ कि आंधी, मुझे लगा कि आंधी सच में उड़ रही है, जैसे साउथ इंडियन फिल्म में उड़ती है, आंधी उड़ रही है, झंडे उड़ रहे हैं, सब इधर से उधर जा रहा है, और योगी जी के भाषण, अखिलेश यादव के भाषण, लड़ाई हो रही है बाकायदा। लेकिन धीरे धीरे चुनाव जो है शीतलता की ओर बढ़ता चला गया। अब राशन पर भी आ गया है, ओपीएस पर भी आ गया है, अब धीरे धीरे मुद्दों पर भी केंद्रित हो रहा है। लेकिन पहले जैसे हुआ जिन्ना पर, गन्ना पर, तमंचावादी पर, दंगाई पर, अब धीरे धीरे चुनाव शांत होता गया है। तो क्या आपको लगता है कि आखिरी चरण में जो मुद्दा है, मेरे हिसाब से तो महंगाई है, छुट्टा जानवर वाला मुद्दा है, ओपीएस भी धीरे धीरे रंग ले रहा है, तो ये मुद्दे मेरे को लगता है कि आज के चरण में प्रभावी रहेंगे। धन्यवाद कविंद्र जी, आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आप अगर प्रथम चरण की बात करें जो 10 फरवरी से स्टार्ट हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि तब मुद्दा यहाँ बेरोजगारी नहीं थी, यहाँ किसान मुद्दा था, यहाँ भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं था, यहाँ जातिगत मुद्दे थे। तो मैं जिस प्रदेश में हम बैठे हैं और जिस प्रदेश की हम आज चर्चा कर रहे हैं उसका इतिहास रहा है कि आज के डेट में किसी तरीके से पोलराइजेशन कर लिया जाए। अगर अखिलेश यादव जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज दो नई पार्टियों का चुनाव में उतरना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था, खासकर उस व्यक्ति के लिए, उस पार्टी के लिए जो एक वर्ग विशेष को अपना आधिपत्य समझता है। तो अखिलेश के लिए कहीं ना कहीं वो एक डर था, एक भय था कि एक वर्ग विशेष जिसकी जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20-22% का हिस्सा अपना रखता है वो कहीं बट न जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बेस था जो अखिलेश की तरफ है आज के डेट में। तो इसीलिए पाकिस्तान से उठ के जिन्ना आ गए और एमआईएम और आम आदमी पार्टी का स्टेक न बढ़ जाए, मुस्लिम मतदाताओं के बीच में कुछ भ्रम न पैदा हो जाए, इसलिए वो जिन्ना, पाकिस्तान, इस तरीके की चीजों को लेके, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय से प्रभावित है, मुस्लिम मतदाता यहाँ ज्यादा है। तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पहला, दूसरा, तीसरा चरण का चुनाव रहा उसमें कहीं ना कहीं जिन्ना और इस तरीके के पोलराइजेशन पे काम किया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चरण तक पहुंचा मुद्दे बदलते गए। आप ध्यान दिए होंगे अब आज चूंकि हम अंतिम चरण के चुनाव में बैठे हैं तो यहाँ मुद्दा अब बेरोजगारी आ गई है, यहाँ मुद्दा रोड पे घूमते आवारा पशु आ गए हैं। लेकिन आप एक चीजों से दरकिनार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश या बिहार की राजनीति में बिना जातिगत समीकरण के कुछ हो ही नहीं सकता। 1960 और 70 के दशक से जिस तरीके के जातिगत समीकरण के आधार पर विभिन्न पार्टियों का जन्म हुआ उसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी,
निषाद पार्टी 90 के दशक में निषाद पार्टी और अपना दल जैसी पार्टियां आई, तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियों की हम बात कर रहे थे, इन्होंने वर्ग विशेष की राजनीति को करने के लिए अपनी एक दल बनाया था। समय चीजें चेंज हुई और 2014 के बाद एक नई क्रांति आई, और उस क्रांति में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे दलों का बड़े दलों के साथ एक जुड़ना और जुड़ के एक अपनी संख्या के जातिगत संख्या के अनुरूप अपने आप को विधानसभा और लोकसभा में स्थापित करने की जो स्पर्धा सामने आई, उसमें चीजों का समीकरण बदलना शुरू हो गया। 2017 में जिस राजवर्ग की बात हम कर रहे हैं, अभी आप कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा उन्होंने, आप मंत्री भी बनाए गए। अब आखिर ऐसा कौन सा ऐसा कारण था जो आप छोड़ के भाग गए और बोले कि गरीबों शोषित वंचितों की उस पार्टी में कोई जगह नहीं है, मैं इसका विरोध करूंगा और मैं योगी और मोदी को यहां से खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब कि आपकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी उस पे कहीं ना कहीं आप अगली जो जिसको लेके आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे वो नहीं उतरे, इसलिए आप उतर के विपक्ष में चले गए। शायद यही कारण था कि पहले चरण के कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जीरो जो बसपा से चल के भारतीय जनता पार्टी में आए थे और वो एक वर्ग विशेष का नेतृत्व करता अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं, वो भी उतर के भाग लिए। 5 वर्ष आप मंत्री रहे तब आपको प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं ना कहीं जो छोटे घटक है, छोटे दल है, बिल्कुल। और ये चीज और देखियोगी जयदीक्षित साहब कि जीत गए तो बढ़िया बढ़िया, मंत्री पद भी मिलेगा और पेट्रोल पंप भी मिलेगा, ये फलाना फलाना चीजें भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, पूरा पैकेज मिलेगा, बम्पर ऑफर निकलेगा। लेकिन अगर हार गए तो फिर ढूंढे नहीं मिलेंगे, फिर इधर उधर मिलेंगे। चलिए इसी बीच एक ब्रेकिंग भी आ रही है, ब्रेकिंग पर भी गौर कर लेते हैं। तो ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, ये जो ब्रेकिंग है ये दरअसल गाजीपुर से आ रही है। गाजीपुर में मतदान बूथ पर अव्यवस्था देखी गई है, ब्रेकिंग आप देख पा रहे हैं, गाजीपुर से ब्रेकिंग है। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थित बूथ पर ही अव्यवस्था, संवाददाता भी हमारे मौजूद है वहां पर, वही ब्रेकिंग भेज रहे हैं। बूथ एजेंट ने इसकी शिकायत की है, बूथ एजेंट की तरफ से इसकी शिकायत की गई है। गाजीपुर में मतदान बूथ पर अव्यवस्था, व्यवस्थाएं क्यों दुरुस्त नहीं है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि धीमी गति से मतदान हो रहा है, बूथ एजेंट बता रहे हैं। कौन से बूथ एजेंट हैं जो बता रहे हैं? ठीक है, तो ये गाजीपुर में मतदान बूथ पर अव्यवस्था की खबर आ रही है। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से बूथ पर अव्यवस्था है, बूथ एजेंट ने इसकी शिकायत की है। ये क्लियर नहीं है कि कौन सी पार्टी का बूथ एजेंट है, बूथ एजेंट ने शिकायत की है इसकी धीमी गति से मतदान हो रहा है, और ऐसे में शिकायत की गई है, वहां मतदाताओं ने भी इसकी शिकायत की है, ऐसा बताया जा रहा है। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थित बूथ पर अव्यवस्था, मतदान धीमी गति से हो रहा है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। तो गाजीपुर में मतदान बूथ पर अव्यवस्था की खबर आ रही है, जहां पर धीमी गति से मतदान चल रहा है। गाजीपुर से आपको ये ब्रेकिंग बता रहे हैं, जहां पर धीमी गति से मतदान चलने की खबर आ रही है, बूथ एजेंट ने इसकी शिकायत की। इस पर बाइट भी आई है, बाइट भी चलाएंगे। तो गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थित बूथ पर अव्यवस्था देखने को मिली है, तो अव्यवस्था की खबर आपको बता रहे हैं, ये ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं पल पल की। जहां जहां मतदान हो रहा है वहां वहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं और साथ में कैमरा भी मौजूद है, और आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कहां पर किस तरीके की अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो उसको डिफॉल्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है। तो आपको गाजीपुर से खबर बता रहे थे, जहां पर मतदान बूथ पर अव्यवस्था की खबर आ रही है, तो बूथ एजेंट ने इसकी शिकायत की है। क्या कुछ कहना है? बाइट भी है, बाइट भी चलाइएगा सर। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चियां, सभी लोग, और शांतिपूर्ण से ढंग से अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। किसी तरह की यहाँ कोई किस शिकायत आ रही है, कोई समस्या हो रही है? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं, यहाँ पे सब लोगों ने मिलजुल करके अपने महापर्व पे अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं, और परिवर्तन के बेला में परिवर्तन चाहते हैं। परेशानी एक है कि बहुत धीरा काम अंदर हो रहा है, और धीरा काम होने की वजह से 5 बजे तक ये लोग तो बंद करके चले जाएंगे, और वोटर जो है वोट देने से चूक जाएंगे, रह जाएंगे। वोटर वोट देने से चूक जाएंगे, मतलब काम बहुत स्लो चल रहा है, बहुत चल रहा है, यही परेशानियां यहाँ पे हो रही है। हुए हैं हम करीब 1 घंटा से खड़े हैं, लाइन में लगे हैं। मेहता वाला हमारे संवाददाता, उनको जोड़िए गाजीपुर से। मेहता वाला साहब जी, सर जी, सर जी,
सर सबसे पहले तो मुझको ये बताइए कि मतदान धीमे चल क्यों रहा है, कौन से बूथ एजेंट है जिन्होंने शिकायत की और ये कौन लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? ये आपको बता दें कि एक घंटा पहले जब हम उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो बूथ जो संख्या है इस पे जो है काफी धीमे से जो है वोटिंग पड़ रही है और वो काफी देर से खड़े हैं और उनसे उनकी समस्या सुनने के लिए कोई यहाँ पे है नहीं। धीमे वोटिंग क्यों हो रही है, ईवीएम कुछ खराब है, गड़बड़ी है या फिर जो वहां पर लोग हैं जो अधिकारी लोग हैं वो करवा नहीं पा रहे वोटिंग, धीमे क्यों हो रहा है? वो बता रहे हैं कि बीएलओ लोग जो है बार बार जो है मतलब अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो जो है मतलब ईवीएम मशीन को बता रहे हैं कि धीमा चल रहा है, स्लो चल रहा है, जिस कारण जो है वहाँ पर जो वोटर है जो मतदाता है वो काफी नाराज है। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की गई है, क्या बता रहे हैं वो? कह रहे हैं कि हम उनके संपर्क में हैं, अगर जैसे आते हैं तैसे ईवीएम फिर से चालू हो जाएगा, जैसे सुबह जो है मतलब 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में जो गति पकड़ी थी वो आपकी 10-11 के बीच में धीमी हो गई थी, तो वो वहां टोटल नाराज है। ठीक है, ये जो पार्टी के भी एजेंट होते हैं वहां पर, तो कौन सी पार्टी का एजेंट कोई भी कुछ बता रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, क्या कह रहा है अगर कर रहा है तो? वो समाजवादी पार्टी के जो बूथ एजेंट है उनका कहना ये है कि व्यवस्था में एक व्यवस्था ये है कि यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें कतारें लगी हुई है, यहाँ पर जो है टेंट की व्यवस्था नहीं की गई है, अभी आपकी 11 बज रहा है, 11 बजे के बाद जो घर से महिलाएं और पुरुष निकलेंगे जब मतदान करेंगे तब उसके बाद वहाँ दिक्कत होगी। ठीक है, मेहता वालम साहब बने रहिए इस खबर में और इस खबर पर लगातार अपडेट रखिएगा और अधिकारी लोगों को सूचित करिए और जल्दी से जल्दी ये अगर दुरुस्त हो जाती है तो बताइएगा, नहीं तो फिर एक बार फिर हमसे संपर्क करेगा, फिर अधिकारी लोग से भी हम डायरेक्ट बात करेंगे।